नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्नन लर्निंग पे। तो आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ हमारी क्रैश कोर्स सीरीज को ही, और अभी तक मैं दो लेक्चर ट्रांसलेशन पे आपको दे चुका था, तो ये उसी का थर्ड लेक्चर है, यानी कंटिन्यूएशन में है ये ट्रांसलेशन जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे क्रैश कोर्स में। तो ये है ट्रांसलेशन पार्ट थर्ड। तो अब तक जो हमने डिस्कस कर लिया था ट्रांसलेशन में वो था प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन, बट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था इस लेक्चर में। तो अब हम जो थर्ड लेक्चर है जो अभी आपके सामने है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जनरल प्रोसेस इनिशिएशन का होता है। अभी तक हमने डिफरेंस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में समझ लिया था, और किस तरह से वहां पर फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो जाता है फर्स्ट अमाइनो एसिड्स में, जो कि फॉर्माइल मिथियोनिन होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में मिथियोनिन ओनली। ओके, तो बढ़ते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन की तरफ, एक्चुअल प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इनिशिएशन फैक्टर थर्ड वो और राइबोसोम का आपका स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे के पास आ जाता है, और साथ ही साथ इनिशिएशन फैक्टर वन भी वहां पर आ जाता है। तो इनिशिएशन फैक्टर वन जो है वो ए साइट पे अटैच हो जाता है। ओके, ए साइट और पी साइट में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं क्या होती है, और जो आई एफ थ्री है वो पी साइट पे आके अटैच हो जाता है पी साइट के नियर में, और उसी के साथ जब ये अटैचमेंट हो जाता है उसके बाद ये जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की ये एमआरएनए पे सर्विलांस करेगी। ओके, और रिकॉग्नाइज कर लेगी शाइन डेलगैरनो सीक्वेंस को। ओके, किसके थ्रू? कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो 16S आरआरएनए है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी 30S सब यूनिट का जो पोर्शन है 16S आरआरएनए, उसके साथ शाइन डेलगैरनो की कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। फिर उससे पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि जो आईएफ थ्री है कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर बाइंडिंग 50S सब। अभी 30S सब यूनिट आई है, 50S तो आई नहीं है, ठीक है, तो प्री मैच्योर बाइंडिंग ना हो, क्योंकि जब तक आपका एक कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाता तब तक 50S सब यूनिट बाइंड नहीं कर सकती, नहीं तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई एफ थ्री प्री मैच्योर बाइंडिंग को प्रमोट करती है 50S सब यूनिट की 30S से। क्लियर? उसके बाद क्या होगा कि ये सर्विलांस करेगा और शाइन डेलगैरनो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से एमआरएनए और 30S सब यूनिट बाइंड कर जाएंगी, और उसके बाद ओके चार्ज टीआरएनए यानी फॉर्माइल मिथियोनिन से जो चार्ज टीआरएनए है वो आ जाएगा, और वहां पर पहला जो टीआरएनए आएगा यानी पहला जो अमाइनो एसिड लगेगा वहां पर इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर टू भी आएगा उसके साथ, और विथ जीटीपी। ओके, उसके साथ जीटीपी भी अटैच रहेगा, वो आकर पी साइट पे अटैच कर जाएगा, जहां पर पी साइट कहां से होगी स्टार्ट, जहां पर पी साइट कहां पे जाकर बाइंड करेगी आपके एयूजी पे, इनिशिएशन कोडॉन पे, ताकि वो उसको स्पेस प्रोवाइड कराएगा, यानी जो पहला अमाइनो एसिड है वो इन्वॉल्व होगा पी साइट से, बाकी उसके बाद ए साइट से उनकी एंट्री होगी। क्लियर? तो जैसे ये बाइंड करेगा कंफर्मेशनल चेंज होंगे बिकॉज ऑफ जीटीपेज एक्टिविटी, जीटीपी है वो ब्रेक होगी जीटीपेज एक्टिविटी के थ्रू, और कोडॉन एंटी कोडॉन बेस पेयरिंग, क्योंकि आपका टीआरएनए और इनिशिएशन कोडॉन और एंटी कोडॉन वो बाइंडिंग हो रही है, तो उसकी उसकी एक्टिविटी की वजह से कंफर्मेशनल चेंज आएंगे, और उस कंफर्मेशनल चेंज की वजह से 50S सब यूनिट बाइंड कर जाएगी और 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी इनिशिएशन अब पूरी तरह से तैयार है ट्रांसलेशन के इनिशिएशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट है। और इसी के साथ साथ IF3, IF1, IF2 वहां से रिमूव कर जाएंगे, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और इसमें एक चीज खास बात आपको याद रखनी कि फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर जो एक्सपेल होता है बाहर निकलता है वो होता है IF3, सबसे पहले IF3 निकलता है। क्लियर? ये चीज आप लोग याद रखिए। क्लियर? अब जब ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये कंप्लीट जो बन गया अब इसको बोलेंगे 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सॉरी, मैंने वहां पर गलती से 30S लिख दिया, वो है आपका 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ऊपर वाले में 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऊपर वाले को बोल सकते हैं, बट यहां पर ये है
70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन की तरफ, तो यूकैरियोट्स में एयूजी जो होता है वो हमेशा मिथियोनिन को रिकॉग्नाइज करता है, ओके, या स्पेसिफाई करता है, चाहे वो इनिशिएशन कोडॉन हो चाहे इंटरनल टू ओआरएफ हो। ये चीज हमने पहले भी बात की थी, क्लियर। तो उसके बाद एक और चीज है इंपॉर्टेंट, जो ऊपर आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें दिखाया गया है कि जो पहला होता है मिथियोनिन टीआरएनए वो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन को, फॉर्माइल मिथियोनिन नहीं करता, बट जो पहला टीआरएनए होता है जो मिथियोनिन को लेकर आता है इनिशिएशन कोडॉन पे बाइंड कराता है, उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है 64th पोजीशन पे, यानी राइबोज पे 64th जो राइबोज होता है उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, ये डिफरेंस होता है। इंटरनल जो आरएफ में होता है उसमें ऐसा कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, बस ये डिफरेंस होता है, फॉर्माइलेटेड फॉर्माइलेशन नहीं होता बट 64th पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन होता है, क्लियर। ये चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। और उसके बाद उसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में इनिशिएशन यानी एयूजी को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले स्कैनिंग होती है राइबोसोम के द्वारा 5' to 3' डायरेक्शन में, क्लियर, यानी एमआरएनए को स्कैन करता है राइबोसोम 5' to 3' डायरेक्शन में, किसकी हेल्प से, 5' कैप रीजन की वजह से। कैपिंग इसलिए यहां पर हेल्पफुल होती है। और इस कैप को रिकॉग्नाइज कौन करता है, EIF4 कॉम्प्लेक्स, E फॉर यूकैरियोट्स, और इनिशिएशन फैक्टर 4 F कॉम्प्लेक्स एंड EIF4B कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की वजह से। तो EIF4F कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, जिसके तीन पार्ट होते हैं, EIF4E जो कि बाइंड करता है कैप रीजन पे, क्लियर, और EIF4G ये कहां बाइंड करता है, बाइंडिंग बिटवीन EIF4E एंड PABP जो टेल रीजन है, पॉली ए टेल होता है, ठीक है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन यहां पर होगा, और इसकी वजह से एमआरएनए सर्कुलराइज कर जाएगा, यानी इसमें लीनियर रही रहेगा, 5' कैप और 3' टेल एक दूसरे के पास आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आपके पास कोई रस्सी है, ठीक है, आपने उसको दोनों सिरे एक तरफ से पकड़ लिए, ठीक है, उन दोनों को जोड़ दिया किसी तरीके से, तो वो सर्कुलर हो गई, तो उस तरह से सर्कुलर हो जाता है, क्लियर। और इसी का एक पार्ट होता है EIF4A जिसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, सुपर सेकेंडरी, कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी है वो बन जाएगा, तो ये उसको रिमूव कर देगा, ठीक है, EIF4A का ये होता है काम। और EIF4B जो होता है वो 4A को एक्टिवेट करता है, 4A बाइंड तो करता है बट हेलिकेज एक्टिविटी शो नहीं करता जब तक EIF4B बाइंड ना करे, वो जाएगा उसको एक्टिवेट कर देगा, क्लियर, ये चीज हो गई। अब EIF4E वैसे तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जो बाइंड करता है 5' कैप से, बट ये एग्जाम, ये इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, हो सकता है CSIR में, लेकिन आप कोई और एग्जाम देते वहां पूछ लिया जाए। तो जैसे ही कोई ग्रोथ रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, सेल को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, काइनेज फॉस्फोराइलेशन करेगा PHAS फास्ट सब यूनिट, और 4EBP भी बोलते हैं उसको, जो कि उसके साथ इंटरेक्टेड रहती है EIF4E कॉम्प्लेक्स के साथ। फिर इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो हाइड हो जाएगी, वो वहां से रिमूव हो जाएगा, और कंफर्मेशनल चेंज के बाद EIF4 जो है आपका EIF4E एक्टिवेट हो जाएगा, समझे, EIF4E एक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि किस तरह से सर्कुलराइजेशन होता है यूकैरियोट्स में। तो अगर यूकैरियोट्स में देखें तो जो 40S सब यूनिट होती है, जो 40S सब यूनिट होती है वो सबसे पहले बाइंड करती है किससे, मिथियोनिन टीआरएनए से, मिथियोनिन के टीआरएनए से, जिसके साथ EIF2 और GTP रहता है। यहां पर देखिए ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, यानी इसमें टीआरएनए पहले ही बाइंड कर जाता है एमआरएनए की बाइंडिंग से पहले। तो इसमें दो साइमल्टेनियस प्रोसेस होती हैं, एक तो मैंने आपको बताया 4G, ये इस तरह से 4F कॉम्प्लेक्स जिसमें EIF4E 4G 4A एंड 4B, ये पूरा EIF4E जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आएगा, क्लियर।
वो कॉम्प्लेक्स वहां पर बाइंडिंग कराएगा और पीएबीपी जो पहले से प्रेजेंट है उसकी वजह से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा और सर्कुलराइजेशन हो जाएगा एमआरएनए का, और साथ ही साथ जो 40S सब यूनिट है राइबोसोम की, ठीक है, यहां पर जो है ये 40S है, 30S नहीं है, यहां पर 40S सब यूनिट है, इसमें EIF3 और EIF1A आएगा जो प्रोकैरियोट से थोड़ा मिलता जुलता है। 1A जाकर आपका ए साइट पे बाइंड कर जाएगा और 3 जो है EIF3 वो बाइंड कर जाएगा पी साइट के पास, और फिर पहला जो एंटीकोडॉन रीजन है यानी जो पहला टीआरएनए है वो मिथियोनिन को लेकर आएगा और उसके साथ ईआईएफ टू और जीटीपी आएगा, क्लियर, और उसी के साथ वहां पर ईआईएफ5 भी आएगा, यहां पर एक डिफरेंस है जीटीपी के साथ, तो वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा 3 1A F2 GTP और EIF5 GTP, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ठीक है। और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यानी अभी तक एमआरएनए का अटैचमेंट नहीं हुआ बट एक साइमल्टेनियसली वो सर्कुलराइज हो गया, तो जब वो सर्कुलराइज हो जाएगा, क्लियर, तो फिर उसके बाद स्कैनिंग की जाएगी एमआरएनए की राइबोसोम के द्वारा, राइबोसोम उसकी स्कैनिंग करेगा और जहां पर कोजेक सीक्वेंस होगी, और स्कैनिंग में हेल्प कौन करेगा, ईआईएफ फोर आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था, EIF4F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, EIF4F कॉम्प्लेक्स यहां पर हेल्प करेगा जो कैप के साथ बाइंड करेगा वो पूरा कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो आप समझ जाएगा सब कुछ ठीक है, क्लियर, तो वो पूरा अटैचमेंट हो जाएगा और वो कोडॉन और एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग हो जाएगी, क्लियर, फिर वही होगा कंफर्मेशनल चेंज आएंगे जीटीपेज एक्टिविटी के थ्रू, यहां पर EIF5 की जो जीटीपेज एक्टिविटी और कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग की वजह से कंफर्मेशनल चेंज आएंगे और 60S कॉम्प्लेक्स जो है वो आकर उस पर बाइंड कर जाएगा, क्लियर, यानी पूरा फुल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अब रेडी हो जाएगा और यहां पर EIF5 रिलीज हो जाएगा और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे, बट जीटीपेज एक्टिविटी वाला वो मेनली दिखाया, बाकी अब किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर बन जाएगा 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहां पर जेनरेट हो जाएगा, क्लियर, तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इनिशिएशन होता है, क्लियर, होप सो ये पोर्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जेनरेट होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में और कैसे इनिशिएशन स्टार्ट होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलोंगेशन, टर्मिनेशन और ट्रांसलेशन का लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे, ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, आप भी इसको लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स तभी आपको सबसे पहले मिलेंगे, ओके, और हमारे जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट डिस्कशन का पार्ट आप लोग भी बन सके। थैंक यू सो मच।